हिंदू रिलीजियन टॉक्स ऑफ इंक्लूसिवनेस नहीं हिंदू धर्म करता है वसुधैव कुटुंबकम लेकिन हिंदू धर्म में कभी उसको प्रैक्टिस नहीं किया गया जात पात ये वो सब देखते हैं तो वर्तमान काल में ऐसा क्या बदला है कुछ बदला है क्या जिससे कि हिंदू धर्म और इंक्लूसिव हो बहुत सुंदर प्रश्न है ब्यूटिफुल क्वेश्चन आर इंक्लूसिव एंड येट दे प्रैक्टिस एक्सक्लूसिवनेस हैज एनीथिंग चेंजनेस एवरी सोसाइटी एवरी सोसाइटी हैज गुड एंड बैड एलिमेंट्स एंड रिलीजन बिलोंग्स टू सोसाइटी स्पिरिचुअलिटी वेन अप्लाइड टू

ढीला पड़ जाता है इसको संभालने के लिए अवतार की आवश्यकता पड़ती है संत महात्मा की आवश्यकता पड़ती है जो बीच बीच में आकर के सब ठीक कर देते हैं दूसरे धर्मों में नहीं है इसलिए दूसरे धर्म देख सकते हैं ना अधिकतर धर्म तो देख लीजिए क्या है क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं कब की बात बोल रहे हैं भगवान जाने तो लोगों से बोलते ना मुंह लगाना मुंह लगाने लायक भी ये लोग नहीं है बड़ी बड़ी बातें हिंदू धर्म हमेशा ठीक किया जाता है और दूसरी बात है हिंदू धर्म मुक्ति का धर्म है फ्रीडम इसको कोई नहीं बांधता है ना किताबें इस धर्म को बांधते हैं ना अवतार ना कोई प्रॉफिट कुछ नहीं यू हैव ए फ्री सिस्टम फ्री सिस्टम फ्री सिस्टम का अर्थ होता है कि इसके अच्छे गुण बहुत होते हैं और इसके बुरे गुण भी बहुत होते हैं कोई भी ओपन सिस्टम वेन देर इज एन ओपन सिस्टम इट हैज इट्स क्वालिटी एंड इट हैज इट्स सीरियस डिफेक्ट्स क्वालिटी इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसे बहुत आसानी से ठीक कर दिया जा सकता है लेकिन हिंदू धर्म के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हजारों साल से ना आक्रमण हुआ थे हिंदू धर्म पर लोग घबराते रहे और लोग अपने आप में घुस गए अब हिंदू धर्म के नाम में जो सब कलंक देते हैं वेदों के समय में ऐसा नहीं था क्योंकि डर नहीं था इशू लुक एट टूडे सोसाइटी टूडेज हिंदू रिलीजन इज लाइक ए फ्री फ्लोटिंग यूज टॉर्टाइज इन वॉटर्स अगर आप कल्पना करें कि यह विश्व ब्रह्मांड एक समुद्र के समान है हिंदू धर्म एक बहुत बड़े कछुए के समान कछतार जैसे भगवान हुए थे ना सारे अंगों को फैलाए हुए है अब डर नहीं है अब जब डर समाप्त हो जाए तो मनुष्य के अंदर कि बहुत सारे दोष अपने आप मिट जाते हैं फियर इज ए वेरी डेंजरस थिंग फियर अस फियर रूइंस ए रिलीजियन फियर रूइंस ए सोसाइटी फियर इज वेरी डेंजरस थिंग नॉट दैट फियर ऑफ कॉन्स्टेंट अटैक फ्रॉम ईविल फोर्सेज अनहोली होली फोर्सेज इज गॉन अब मेरा काम है आपका काम है जो नहीं सुन रहे उनका भी काम है कि जो एक्सक्लूसिवनेस है ना ब्राह्मण शूद्र ये अकवास सब बकवास सबको हटाओ सबको वेद पढ़ाएं गीता पढ़ाएं उपनिषद पढ़े सब में तकनीकी ज्ञान दें सबको कंप्यूटर्स में एक्सपर्ट बनाएं सबको विज्ञान का अच्छा ज्ञान दें हमारी इस यूनिवर्सिटी में जहां पर मैं हूँ हमारे यहाँ संस्कृत ऑनर्स की पढ़ाई होती है और ये जो संस्कृत के बच्चे हैं इन्हें कंप्यूटर अवश्य पढ़ाया जाता है कंपल्सरी इनके लिए कंप्यूटर अंग्रेजी ये दोनों कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं आपको पढ़ना है भारत के समाज में हर स्तर पर विज्ञान को घुसाना है और धर्म के जो इम्पर्सनल वैल्यूज हैं पर्सनलाइज नहीं इम्पर्सनल तत्व इनको ले जाना है ये मेरा भी काम है ये आपका भी काम है अब अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं कहीं पर हम लोग धर्म के साथ बेवफाई कर रहे हैं